बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। छोटे छोटे नया बमल और वज़ाइफ आपके साथ पेश किए जा रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। चले चलते हैं वज़ाइफ की तरफ। आज जो मैं आपको वज़ाइफ बताने जा रही हूँ, दो दिलों में नफरत पैदा करने का वज़ाइफ है। ये वज़ाइफ आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब कोई गैर मर्द या औरत से किसी का तल्लक हो और घर में परेशानी हो, बेचैनी हो, नाजायज तल्लुकात के लिए सिर्फ उनको ख़त्म करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं, वरना गुनाह यानी गुनाह अज़ीम आपको अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। मैं खुद भी कभी नहीं चाहूँगी कि अगर ये अमल हम पेश कर रहे हैं तो आप जो है इस अमल का गलत इस्तेमाल करें। आपने सुबह तलु सूरज के वक़्त 19 हरूफ सफ़ेद मतलब के सफ़ेद पानी पर लिखें, नीचे दोनों आदमियों के नाम लिखें और हरूफ आपने लिखना क्या है। हरूफ आपने सिर्फ और सिर्फ तोआ तोएं से होती है ना, तो जैसे पहला हरूफ आता है तोएं, फिर आता है जोएं, पहले आप लिखेंगे तोआ, तो वो आपने 19 मरतबा लिख कर 19 मरतबा लिख कर पानी पर लिखेंगे। आप 19 मरतबा पानी पर आप लिखेंगे और नीचे दोनों आदमियों के नाम लिखेंगे जिनके दरमियान आप नफरत डलवाना चाहते हैं। गौर से सुने, अगर आप कागज़ पर लिख के पानी में बहते हुए पानी में छोड़ेंगे तब भी काम करेगा, और अगर कोई ऐसा बर्तन में जिसके अंदर ये तो बस आपने 19 मरतबा लिख लेनी है और उसके अंदर पानी भर देंगे तो उनके दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी, उनके दिल मतलब के पानी की वजह से डूबे डूबे लगेंगे और नफरत पैदा होगी। ये अमनियात या ये इलम जो आपको मैंने बताया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने जो जिसके जिसका आपने नाम लिखा है तो वो भी जायज हो और जिसके लिए आप कर रहे हो वो भी जायज हो। यानी अगर दो आदमियों का नाम लिख रहे हो तो उसमें गुनाह का कोई भी तरीका आप इस्तेमाल ना करेंगे। इंशाल्लाह बहुत नायाब अमल है, आप करके देखिएगा, लेकिन जायज काम के लिए, वरना क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी और क्या पता दुनिया में भी आपकी पकड़ हो जाए। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा। हरूफ तहजी के ये जो लफ्ज हैं, इनकी जो मतलब के इनकी जो बरकत है और जो इनकी इज्जत है वो कोई भी नहीं जानता। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।